नमस्कार, फास्ट समाचार न्यूज में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं आरती सिरवी। आइए अब देखते हैं खबरें विस्तार से। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा 21 जून 2015 से विश्व योग दिवस की शुरुआत किए जाने के साथ ही रायसेन में भी योग से प्रेरित होकर रायसेन किले की ऊंची पहाड़ी पर नियमित रूप से पिछले 3 सालों से ज्यादा समय से रायसेन फोर्ट क्लब के सदस्यों द्वारा प्रतिदिन सुबह 6 बजे से योग आसनों का अभ्यास किया जा रहा है। जब रायसेन फोर्ट क्लब के सदस्यों ने किले की पहाड़ी पर योग अभ्यास करना शुरू किया था तब सदस्यों की संख्या कम थी, लेकिन फिर योग अभ्यास से प्रेरित होकर अन्य शहर के लोग भी योग अभ्यास करने के लिए जुड़ते चले गए और वर्तमान में किले पर बड़ी संख्या में लोग योग करने के लिए पहुंच रहे हैं। आपको बता दें कि रायसेन किला करीब 1500 फीट ऊंची पहाड़ी पर स्थित है और किले पर पहुंचते पर ही 250 से ज़्यादा सीढ़ियां चढ़कर पहुंचना होता है। किले की ऊंचाई तक पहुँचने के लिए इन सीढ़ियों को चढ़ पाना युवाओं के लिए भी मुश्किल होता है। लगभग 2 वर्षों से यहाँ निरंतर योग करने के लिए आते हैं सुबह, और यहाँ योग करने से मानसिक शांति मिलती है और स्वास्थ्य लाभ रहता है। डॉक्टरों के चक्कर नहीं लगाना पड़ते। और मैं खुद, मुझे हार्ट अटैक आया था करीब 3 वर्ष पूर्व। तो अब मैं जांच करवाने गया था तो डॉक्टर ने पूरी दवाई गोली सब बंद कर दी कि अब आपको कोई ज़रूरत नहीं है किसी प्रकार की टेबलेट लेने की। कितनी सीढ़ी चढ़ रहा है आपके लिए की? हम ये 200 के लगभग सीढ़ियाँ हैं, आराम से चढ़ के आ जाते हैं। पहले दिक्कत होती थी शुरू शुरू में, अब कोई प्रॉब्लम नहीं होती। योग करके हम लोग स्वस्थ महसूस करते हैं। और मैं डायबिटीज का पेशेंट था, मेरी डायबिटीज 400 से ऊपर रहती थी, आज 130 110 पे है। कब से आ रहा है आपके लिए? मेरे को 3 वर्ष हो गए हैं। तो यहाँ पर कोई प्रशिक्षक आता है या खुद अपने उससे? नहीं, सब हम लोग, प्रशिक्षण तो पहले होता था मगर अब हम लोग अपनी मर्जी से ही करते हैं। रायसेन से भारत मीणा की रिपोर्ट।